चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंचे हेमंत सोरेन आखिर अचानक कहां गायब हो गए? हड़कंप इसलिए और भी मचा क्योंकि जिस चार्टर्ड प्लेन से सोरेन दिल्ली पहुंचे वो रनवे पर ही मौजूद था, लेकिन सोरेन का कोई सुराग नहीं मिला। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि 31 घंटे तक सोरेन कहां और क्यों गायब थे। जनवरी की रात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी घर में सोए थे। खबरों के मुताबिक 28 जनवरी को सोरेन ने कानूनी सलाह लेने का काम किया। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन ने बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने की कोशिश भी की थी। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने 28 जनवरी को अभिषेक मनु सिंघवी से कानूनी सलाह ली और 28 जनवरी की शाम को ही प्रोटोकॉल छोड़ दिया था। उनके साथ मौजूद डीएसपी रांची वापस लौट आए थे। रांची में मौजूद अफसरों तक को भनक नहीं थी कि उनके राज्य का मुखिया आखिर कहां है। वहां पर एसडीएम ने एनालिसिस करके 144 इन्फोर्स किया है। हम लोग जो है ऑल सेंसिटिव पॉइंट्स पे सफिशिएंट पुलिस फोर्स, मजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस ऑफिसर लगाए हैं। सीएम साहब की साथ जो सिक्योरिटी होती है उसके थ्रू भी जानकारी नहीं मिल पा रही कि सीएम साहब हैं कहां पर। क्या अब तक कोई सूचना मिल पाई है कि वो कहां पर हैं, कब तक रांची आ रहे हैं, कुछ इस बारे में? ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। खबर मिली कि हेमंत सोरेन अपनी बीएमडब्ल्यू कार को और चार्टर्ड प्लेन को दोनों को दिल्ली में छोड़ करके ही निकले थे और जानकारी ये मिली कि वो बाइक के जरिए निकले थे। 29 तारीख को जब वो रांची में आए तो ये मालूम पड़ा कि वो सड़क मार्ग के जरिए दिल्ली से चल करके रांची पहुंचे हैं। लेकिन रांची पहुंचने के बाद हेमंत सोरेन जिस तरह से अपने विधायकों से मिल रहे थे, उन तस्वीरों को देखकर लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ बहुत सामान्य है। पूरे 31 घंटे तक गायब रहने के बाद जब झारखंड के मुख्यमंत्री से सवाल हुआ कि वो कहाँ थे, तो उन्होंने शायराना अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि आपके दिल में थे। क्या दिक्कत है? क्या सवाल है, इसका मतलब क्या है? सर सर आपका रहना जरूरी है सर, आपका राज्य में रहना जरूरी है सर। और हेमंत सोरेन के लापता रहने के दौरान जिस बात की अटकलें लगाई जा रही थी उसे हवा दी उस तस्वीर ने, जब विधायक दल की बैठक में सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद दिखाई दी। बीजेपी लगातार कह रही है कि सोरेन पत्नी को सीएम की गद्दी सौंपने के लिए सारा जोर लगा रहे हैं। राजनीति में भ्रष्टाचार और परिवारवाद की परिकाष्ठा झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी तीनों की वहां पर मिली जुली सरकार है। सबका लक्ष्य एक है, लूटो झारखंड को, लूटखंड बनाओ और परिवारवाद को आगे बढ़ाओ। जो एक अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, 3.5 करोड़ जनता के दिल में, दिमाग में आहत करने वाला ये काम होगा। मौजूदा परिस्थितियों पर बीजेपी ने झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। बसंत सोरेन जी को लगता है कि शिबू सोरेन जी ने पार्टी बनाई, सीता सोरेन जी को लगता है कि उनके पति दुर्गा सोरेन जी का बहुत बड़ा योगदान है, तो उनके परिवार का जो एक रिजेंटमेंट है वो विधायकों को वहाँ इकट्ठा नहीं होने दे रहा है। इनकी ताकत लगेगी कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने की। संविधान ये कहता है कि कल्पना सोरेन जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकती हैं, और इनके परिवार की ताकत लगेगी, खासकर भाई और इनके भाभी की, कि वो मुख्यमंत्री बने। इस कारण से मुझे लगता है कि झारखंड राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रहा है। नहीं, हम लोगों का तो तमन्ना है कि हमारे विधायक दल की बैठक में निशिकांत जी आ जाए, उनको हम लोग अपना नेता चुन लेंगे, उन्हीं को मुख्यमंत्री बना देंगे। अरे बाबा, कोई वैकेंसी नहीं है, सरकार है, सरकार रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।